हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? तो आज हम बनाएंगे बेस्ट फिटनेस ड्रिंक। उसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में शुगर होनी चाहिए, मिल्क होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास खजूर होनी चाहिए, बादाम, और उसके बाद काजू होने चाहिए, 1 बनाना होना चाहिए। मैंने इंग्रेडिएंट आगे मेंशन कर दिए हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम खजूर को कट कर लेंगे और उसको अंदर से बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। इस तरह हमें इसको कट करना है और अंदर से तमाम खजूरों के अंदर से निकाल कर इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और उसमें हम सारी खजूरें अपनी डाल देंगे। डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा गर्म करेंगे फॉर द 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में। मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद हम इसको दूसरे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे फॉर 5 मिनट्स के लिए। फाइव मिनट्स के बाद हमारा कुछ ऐसा पेस्ट बनेगा, फिर इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे और बादाम और काजू ऐड कर देंगे और इसको फिर 5 मिनट्स के लिए और ब्लेंड करेंगे। स्टेप बाई स्टेप बता रही हूँ, हम इन सब चीज़ों में एक दफ़ा से ब्लेंड नहीं कर सकते, फिर ये अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगी और आपका शेक अच्छा नहीं बनेगा, उसमें सब कुछ वैसे ही रहेगा। जिस तरह का पेस्ट बना था, फिर मैंने इसमें बनाना ऐड कर दिया और फिर इसको अच्छे तरीके से शेक कर लिया था और ब्लेंड कर लिया था फॉर द 2 मिनट्स। फिर इसमें 2 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड करनी है और इसको भी हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। फिर इसमें हम आइस ऐड करेंगे, थोड़ी सी मैंने आइस ली थी और उसको मैंने ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद हमने 1/2 लीटर का ये कप था जिसमें मैंने दूध लिया था और फिर इसमें एंड पे बिल्कुल लास्ट में हमने मिल्क ऐड करना है। आप इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। शेक रेडी हो चुका था, मैं आपको इसमें स्पून इसके लिए लगा के दिखा रही थी कि इसमें हमारा कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि मिक्स ना हुआ हो। तो जी यहाँ पे हमारा शेक बिल्कुल रेडी था और इसको आप सुबह टाइम भी पी सकते हैं या रात टाइम भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।